काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर महिलाओं को या लड़कियों को फॉरेस्ट गार्ड की जॉब में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जॉब प्रोफाइल कैसी है, कि जॉब उनको करनी चाहिए या दूसरी कोई जॉब करनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ, जैसे ये नमस्कार सर, एमपी वन रक्षक महिलाओं के बारे में बताइए, ठीक है, उनका कार्य क्या रहता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगली जो इनकी लाइन है ना, खासकर महिलाओं को इस जॉब में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कृपया एक पर्टिकुलर वीडियो वन रक्षक के बारे में बताएं। मतलब ये वाली आप लाइन पढ़ो कि महिलाओं को इस जॉब में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भाई एक बात बताओ, आप जिस देश में हो ना, उस देश का जो सर्वोच्च नागरिक होता है राष्ट्रपति, वो महिला है। आज अपने देश की महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही है, अपने देश की महिलाएं बॉर्डर पर खड़ी हैं देश की सुरक्षा के लिए, और आप बोलते हो कि भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? आज एक ऐसा सिंगल काम आप बता दो जो महिलाएं नहीं कर रही हैं। भाई आज की डेट में ना पुरुष से आगे तो महिलाएं काम कर रही हैं। आज अगर उनकी काबिलियत को देखोगे ना, तो पुरुष से ज्यादा काबिल आज की डेट में महिलाएं हैं। आप कोई सी भी जगह जाके देख लो, बीएसएफ में, पाक का जो बॉर्डर है वहां पर सिक्योरिटी दे रही है बीएसएफ में महिलाएं। आप देखना, उठाकर चेक करना, राष्ट्रपति अभी अपॉइंट हुई है अपने देश की महिला एक, और वो भी आदिवासी महिला, भारत की पहली आदिवासी महिला। आज महिला हर जगह आपको देखने को मिलेगी। पहले तो मैं आपको यहाँ पर इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। यह बहुत अच्छा सवाल था कि भाई इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताओ, जॉब प्रोफाइल इनकी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। देखो, जैसे कि सभी को पता है फॉरेस्ट गार्ड, नाम में ही है फॉरेस्ट मतलब वन। तो यहाँ पर होता क्या है, जनरली जब आप फॉरेस्ट गार्ड पर सिलेक्ट होते हो, तो आपको एक बीट इंचार्ज अपॉइंट किया जाता है। बीट के आप एक इंचार्ज, मतलब आपकी बीट में जितना भी जंगल होगा, उस जंगल की आपको देख रेख करनी है। देख रेख कैसे करनी है, वहां पर अवैध रूप से कटाई नहीं हो, ठीक है, जैसे जंगल में आपके पेड़ों की कटाई होती है ना, अवैध रूप से ना हो, ठीक है, वहां पर रेत का उत्खनन ना हो, मतलब किसी भी तरीके का कोई गलत काम सीधे तरीके से ना हो। इस काम के लिए ना आपको कुछ पर्सनल चौकीदार भी दिए जाते हैं, गवर्नमेंट नहीं रहते हैं वो चौकीदार, आउटसोर्स पर रखे जाते हैं, जो जिनका काम बस इतना रहेगा कि जो हम लोग का बीट इंचार्ज या फिर फॉरेस्ट गार्ड जो काम बोल देगा, वो उनको काम को करना, या फिर फॉरेस्ट गार्ड की जॉब प्रोफाइल उन चौकीदारों से अपने बीट के सारे काम को करवाना है। कौन कौन से काम रहते हैं तो ये भी देख लो कि भाई जंगलों में बीट की आपके जो पोस्टिंग रहेगी वहां पर आपको, ठीक है, जितने भी जैसे कोई जंगल आपको किसी अभयारण्य में आप लगा दिए गए, तो अभयारण्य में अवैध रूप से कोई कटाई तो नहीं हो रही, वहां पर कोई पशु की चोरी तो नहीं हो रही, पशु का शिकार तो नहीं हो रहा, कोई जानवर का आप लोगों ने देखा होगा शिकार विकार का, ठीक है, ये सारे काम इन लोगों के होते हैं कि इनको यहाँ पर रोकना। इसके अलावा एक और इसमें फॉरेस्ट में जॉब रहती है, जॉब प्रोफाइल रहती है, वो रहती है आपकी डेस्क जॉब। डेस्क जॉब जैसे महिलाएं, खासकर महिलाओं को, पहली बात तो महिलाओं को कहीं भी मतलब दूर दराज गाँव में या फिर देहात में या फिर जंगलों में बीट नहीं दी जाती, दी भी जाती है तो एक शहर की बीट या फिर शहर के बीचों बीच जो भी बीट होगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, या फिर उसमें आपको अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा इच्छुक जो महिलाएं रहती हैं उन्हें डेस्क जॉब भी दिया जाता है, या फिर जैसे आप लोगों ने देखा होगा फॉरेस्ट का एक जिले में ऑफिस रहता है, वहां पर जनरली देखोगे तो आपको महिलाएं ही काम करते हुए मिलेंगी, तो वहां पर भी उन्हें डेस्क जॉब होती है। फॉरेस्ट गार्ड ही है लेकिन कार्य काम वहां पर एक क्लरिकल टाइप से रहेगा, मतलब डेस्क जॉब रहेगी। तो ये भी आपको जॉब प्रोफाइल में आपके आता है, ये भी आपको काम दिया जा सकता है। फिर आपका आता है कि भाई वेतनमान, वो तो हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे, लास्ट में देखेंगे वेतनमान यहाँ पर क्या रहने वाला है। जिम्मेदारियां कौन कौन सी यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड में आपकी रहेंगी, ये एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई जमीन जो आपको अलॉट होती है, मतलब आपको जो बीट मिलती है उसकी जमीन की आपको सुरक्षा करनी रहेगी, मतलब वहां पर जितने भी आपके पेड़ पौधे लगे उनकी आपको सुरक्षा करनी रहेगी, वहां पर अतिक्रमण को आपको वहां पर रोकना होगा, जंगल की अवैध रूप से जो कटाई होती है उसको आपको रोकना है, आग से बचाना है, या फिर सुरक्षा जो भी जंगली जानवर है उनके शिकार को आपको रोकना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं किसी भी जंगल में शेर का शिकार होता है, कहीं हाथ पैर काट ले जाते हैं शेर के, ठीक है, दांत, हाथी के दांत चुरा ले जाते हैं, तो ये सब आपको कहीं ना कहीं रोकना है। प्रत्येक वर्ष जो वृक्षारोपण, जैसे आप लोगों को भी पता है कि भाई अब ना ज्यादा ज्यादातर जोर दिया जा रहा है वृक्षारोपण पर, वृक्ष लगाओ देश बचाओ, ये नारा भी अभी काफी प्रचलित है, तो इन पर जो आपका काम रहता है वो आपको कराना रहेगा, ठीक है। मिट्टी रेत लकड़ी का अवैध तस्करी आपको रोकना रहेगा, एक सीधे तौर पर जो आपको बीट में बीट के जो भी आपके काम रहेंगे वो आपको कराना रहेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम रहेगा, इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा काम रहेगा वो बस इतना सा रहेगा कि भाई जब इमरजेंसी आती है, जैसे मान के चलो चुनाव में आपको ड्यूटी में चुनाव में आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि फॉरेस्ट गार्ड मतलब एक यूनिफॉर्म बेल्ट कैप की जॉब है, तो चुनाव में आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, या फिर
कभी जैसे कोविड जैसे पेंडेमिक में आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, बहुत रेयरली ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, बहुत रेयरली। इसके अलावा अगर मैं वेतन की बात करूं, ग्रेड पे की बात करूं, तो ये जो आपकी जॉब है ना वो 1900 ग्रेड पे की जॉब रहेगी और आपका 5200 से लेकर आपका 20200 का ग्रेड पे रहेगा। मतलब सैलरी की अगर मैं बात करूं 20,000 के समथिंग आपकी कुछ सैलरी रहती है, लेकिन बात अभी यहाँ पर 70-80-90 की हो चुकी है, तो आपका जो भी सैलरी बनेगा उसका 70% आपको पहले साल मिलेगा, 80% दूसरे साल मिलेगा और 90% तीसरे साल, और तब जाकर आखिरी में आपको यहाँ पर 100% सैलरी दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लास्ट में इतना ही कि अगर आप लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉरेस्ट गार्ड का कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है।